अब हम देखेंगे प्रायिकताओं के कुछ खास नियम। कोई भी इवेंट यदि पक्का होगा ही होगा तो उसकी जो प्रायिकता होती है वो होती है एक, और ऐसी घटना को हम कहते हैं निश्चित घटना। ठीक है, निश्चित घटना कि ये होगा ही होगा पक्का। ठीक है, जैसे हमने चौक उछाला था तो ये नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो पिटेंगे ही पिटेंगे, ये भी निश्चित घटना है। ठीक है, और इस प्रकार से यदि हम देखें कि कोई घटना हो ही नहीं सकती, किसी चीज के होने की संभावना है ही नहीं, कि मान लीजिए ऐसा हो कि आज दिन तो हुआ और इसके बाद रात ना हो, कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसकी संभावना है ही नहीं। तो उस केस में जो प्रायिकता होती है वो होती है जीरो, और उसे कहा जाता है अनिश्चित घटना या असंभव। अनिश्चित घटना या असंभव घटना की वो हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसके बाद इससे हमें जो दो एक चीज और पता चलती है, कोई चीज हो सकती है पक्का हो सकती है तो उसकी प्रायिकता है एक, कोई चीज बिल्कुल भी हो ही नहीं सकती तो उसकी प्रायिकता है जीरो। इसका मतलब जितने भी इवेंट होंगे उनकी प्रायिकताएं हमेशा जीरो और एक के बीच में ही होंगी, प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती। आमतौर पर बच्चे गलती करते हैं कि कोई चीज नहीं हो सकती तो इसकी जो प्रायिकता वो माइनस में हो, नो, प्रायिकता हमेशा जीरो और एक के बीच में हो सकती है, जीरो भी हो सकती है एक भी हो सकती है और इन दोनों के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, और एक चीज जो हमें याद रखनी है, जैसा कि मान लीजिए हमने एक सिक्का उछाला तो उसके हेड्स आने की प्रायिकता हो गई एक बटा दो, उसके टेल आने की प्रायिकता हो गई एक बटा दो, क्या सिक्का उछालने से कुछ और भी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हेड्स आने की प्रायिकता है एक बटा दो, टेल आने की प्रायिकता है एक बटा दो। यदि हम दोनों प्रायिकताओं यानी कि जितनी संभव घटनाएं थी, सिर्फ दो ही घटनाएं हो सकती है सिक्का उछालने पे या हेड या टेल, दोनों की प्रायिकता निकाल दी, यदि दोनों को प्लस कर दे तो आधा प्लस आधा कितना हो गया? इसका मतलब क्या समझे हम कि किसी एक घटना में जितनी संभावनाएं हैं उन सभी की प्रायिकताओं का जोड़ हमेशा एक आएगा। ठीक है, उन सभी की प्रायिकताओं का जोड़ हमेशा एक आएगा। इसी प्रकार से यदि हम कहते हैं कि बारिश होने की प्रायिकता है आधी किसी भी दिन, तो बारिश नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, इसे एक में से माइनस करेंगे। इससे हम ये समझे कि कोई भी इवेंट है उसको बोलते हैं पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और किसी भी इवेंट के नहीं होने को लिखते हैं पी ऑफ ई डैश, या हिंदी में हम इसको पी ऑफ ई नहीं भी लिख देंगे। इन दोनों का जो जोड़ होगा वो एक होगा, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो एक होगा, यानी कि किसी भी इवेंट के होने की प्रायिकता और उस इवेंट के ना होने की प्रायिकता, इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो उसका उत्तर हमेशा एक आएगा। ठीक है, तो ये कुछ नियम है प्रायिकताओं के जो कि हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। मैं चाहता था अध्याय शुरू करने से पहले आप एक नजर इन नियमों पर डालेंगे।